दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। देखिए, अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं जिसमें कम से कम मैं 5-10 पुरस्कार एक साथ लेकर के चलूंगा, और वो इसलिए चलूंगा कि बड़े ही सरल सवाल है। आप सभी जानते हैं जब दीपावली की बात करते हैं तो इसे पंच महोत्सव भी कहते हैं, यानी पंच महोत्सव इसलिए कहते हैं क्योंकि 5 दिनों तक त्योहार 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 व्रत 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 होते ही रहते हैं, और उसमें एक दिन एकाधिक त्योहार होते हैं, तो ऐसा पंच महोत्सव। इससे जुड़े हुए मेरे सवाल, तो पहला तो सवाल सिर्फ इस बात को लेकर के है कि ये जो 5 दिवस होते हैं, ये 5 दिवस कौन कौन से, यानी क्या क्या होते हैं, एक एक का जवाब दीजिए और पुरस्कार जीतिए। मैं इधर से शुरू करता हूं, 1-2 इधर से, 1-2 इधर से, 1-2 इधर से, 5। अब 5 में से शुरुआत कीजिए, साहब शुरुआत करेंगे आप 5 में से, जी बोलिए आप। बबीता सेकरा जी, बबीता जी, धनतेरस, रूप चौदस। अरे बस बस आप एक ही में, धनतेरस जी, धनतेरस। ये कब होती है जी? दीपावली से 2 दिन पहले होती, 2 दिन पहले, यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन। वाह, तालियां जोरों से बजाइए साहब बबीता जी के लिए, बिल्कुल सही। चलिए साहब, धनतेरस, दूसरा मैम बोले आप जी, रूप चतुर्दशी, तालियां जोरों से बजाइए, शुभ नाम तारा देवी, तारा देवी जी के लिए, तारा देवी जी के लिए रूप चतुर्दशी, ऐसे नहीं साहब, रूप चतुर्दशी। पूछने पर आप हाथ खड़ा करें, आग्रह कर ले, अनुरोध कर ले, मुझे पकड़ लें, हाँ कैसा? चलिए साहब ने पकड़ लिया, तो आप भी क्या याद रखेंगे जी। हाँ, पहले तो आपका शुभ नाम बताएं। वाई के शर्मा। वाई के शर्मा साहब, क्या आप कोई गायन करते हैं या क्या कुछ, क्योंकि आपकी जो बुलंद आवाज है जी, थोड़ा बहुत शौक जरूर है। तो बस, तो पहले तो आप फरमाएं, फिर आगे बात करेंगे। ये तो खामियाजा भुगती है इस बात के लिए कि आपने मुझे रोका, मुझे टोका, मुझे पकड़ा, और इसमें फायदे में रहेंगे आप। बिल्कुल सर, खामियाजा नहीं है, आपने ये शाम इतनी सुरीली बना दी है जी जी, तो इसी पे मुझे एक गीत याद आ गया जी जी। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी। थैंक यू सर। आपने मेरे जो आग्रह था उसका मान रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए। यस मैम, खड़ी होइए आप जी, बोले आप। अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है, कार्तिक, वो दीपावली सबसे बड़ा और सबसे ईजी है, इसीलिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। आपका शुभ नाम? नित्या तोमर। नित्य है दीपावली, बाकी सब चीजें तो इधर उधर है बात। नित्या जी के लिए तालियां। हाँ साहब, खड़ी होइए, अभी आ रहा हूँ, पीछे भी आ रहा हूँ, बहुत सारे सवाल हैं जी। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकम को होती है, एकम को, प्रतिपदा को, कौन सी पूजा? गोवर्धन पूजा। आपका शुभ नाम? सपना गर्ग। बिल्कुल सही सपना जी, तालियां जोरों से बजाइए सपना जी के लिए। चलिए साहब, सबसे छोटे बच्चों को पूछते हैं जी जी, भैया दूज। बिल्कुल सही, तालियां जोरों से बजाइए। शुभ नाम आपका? निकिता जैन। निकिता जी, देखिए, छोटा बच्चा होता है और इतना बच्चा बिल्कुल अबोध, तो उसका गार्जियन होता है तो छोटे बच्चे ने, हम समझते हैं कि इसने अधिकृत किया है अपनी मम्मी को कि वो जवाब दे। तालियां जोरों से बजाइए। हाँ साहब, जा छोटे बच्चे जी जी, बोलिए आप। गोवर्धन पूजा,
दशहरा सॉरी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज। और एक मिनट ठहरो बेटा, गोवर्धन पूजा किसी ने बताया था क्या अभी? तो भाई दूज भी आ गया, दीपावली भी आ गई। इसके अतिरिक्त थोड़ा थोड़ा सा, यस मैम, कमिंग। अभी ये भी नहीं पता सही बोल रही है गलत बोल रही है। नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए। अन्नकूट नहीं होगा, उसी को कहेंगे अन्नकूट होते हैं सब। अनंत चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा को अन्नकूट होते हैं। अच्छा, नरक चतुर्दशी नहीं, और आपने तो दो बता दिए, हो गए। बस आपका शुभ नाम? सीमा जुल्का। सीमा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बिल्कुल, अन्नकूट और नरक चतुर्दशी आपको पूछा मैंने। जी बोलिए आप। हनुमान जयंती कौन से दिन, 5 दिनों में से? एक मिनट ठहरिए साहब। हनुमान जयंती होती है, ऐसा नहीं साहब, आपने बहुत पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा जी, चतुर्दशी को होती है। इसके अतिरिक्त है क्या कुछ? पहले तो इनको पुरस्कार दे दूं। आपका शुभ नाम मैम? अर्चना शर्मा जी। अर्चना जी ने बिल्कुल सही कहा, हनुमान जयंती जी। तो देखिए, मैं मोटे रूप से उसको रिवाइज कर लेता हूँ, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। तेरस की जब बात करते हैं तो धनतेरस, ये हम सभी जानते हैं, और यहाँ पर इससे जुड़े हुए और सवाल है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी आपने कह दिया, और हनुमान जयंती भी आपने इसमें बता दी। दीपावली की बात करते हैं, दीपावली हो गई, केदार गौरी का व्रत भी होता है, और गोवर्धन पूजा हो गई, अन्नकूट हो गए, ये आपने बता दिया, और भैया दूज हो गई, भाई दूज हो गई। तालियां जोरों से बजाइए। कुछ और भी है, चित्रगुप्त की वगैरह भी पूजा होती है, और भी कई तरह की चीजें हैं, लेकिन मोटे रूप से ये चीजें आ गई। जी 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 बोले आप क्या? जी मेरा सवाल ये बताइए, धन्वंतरी जब समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, धनतेरस को प्रभु अवतरित हुए, उन्हें विष्णु का अवतार भी कहते हैं, उनकी कुछ लोग पूजा भी करते हैं, वो क्या लेकर? अमृत कलश। वाह, शुभ नाम। रश्मि जी, क्या बात है। तालियां जोरों से बजाइए, रश्मि जी के लिए बजाइए सर, जोरों से बजाइए, तालियां बजाइए। देखिए साहब, तालियां मुझे लगता है थोड़ा धीरे बजाना, जोरदार बजनी चाहिए। आप में से कौन लोग ऐसे हैं जो गायन करना चाहेंगे? कुछ लोग हाथ खड़ा करेंगे, मैं एक हाथ को बीच बीच में सोचता हूं मैं गायन करवा लूं। आपने हाथ खड़ा करके नीचे कर लिया, विड्रॉ कर लिया आपने, हाँ या ना? अच्छा, मैं गाऊंगी। चलिए आप थोड़ा इधर इस तरफ। जी, सो आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू माई हस्बैंड, वो US में है। जी, माई हार्ट इज बीटिंग, keeps on repeating, I'm waiting for you, my love encloses a plot of roses, and when shall be then our next meeting, 'cause love, you know, that time is fleeting, my heart is beating. Thank you ma'am, thank you. Shubh naam? Ritika ji birajiye. Ritika ji ke liye taaliyan zoron se bajni chahiye sir, zoron se bajaiye. देखिए, अब इन 5 दिनों की जो अलग अलग महिमाएं हैं, अलग अलग जो आख्यान हैं, अलग अलग जो पौराणिक मान्यताएं हैं, उनके बारे में कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। धनतेरस की जब बात करते हैं हम, तो आपको ये बताना है कि एक विशेष बात है, एक ऐसा आख्यान आता है जिसमें ये कहते हैं कि लक्ष्मी जी ने बिना एक खेत के मालिक की अनुमति से वहां से एक सरसों का फूल तोड़ करके अपने बालों में लगा दिया, और जिसके दंड स्वरूप उन्हें उस खेत के मालिक के यहां पर जो गरीब ब्राह्मण था 12 वर्ष तक सेविका बनकर रहना पड़ा, और बाद में उन्होंने जब वो मुक्त हुई तो उन्होंने उसे धन्य धान्य से परिपूर्ण कर दिया, और उन्होंने लक्ष्मी जी ने यह भी कहा कि इस दिन मेरी जो पूजा करेगा उसे मैं स्वयं प्राप्त होऊंगी। उसका कारण क्या था? धनतेरस का दिन उन्होंने क्यों कहा? धनतेरस के दिन
मेरी जो पूजा करेगा। अब मैंने जो प्रश्न जो बोला उसमें जो कहानी सुनाई उसमें उत्तर छुपा हुआ है। बोलिए नहीं, चलिए मैं आपको पूछ लेता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि यदि हम चाहते हैं कि विश्व शांति को कोई खतरा नहीं हो तो मैं सोचता हूं आपको मैं पूछ ही लूं। खड़े होइए। 12 साल तक उनको उसके यहाँ पे नौकरी करनी पड़ी। तो धनतेरस को क्या विशेष बात, भाई धनतेरस त्रयोदशी 12 साल की समाप्ति। हाँ, 12 साल उस दिन पूरे हुए। शुभ नाम? अमिताभ चतुर्वेदी साहब, क्या बात है, आप तो वेदज्ञ हैं। तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से आपके लिए। यानी उस दिन लक्ष्मी जी को अपनी सजा के 12 वर्ष पूरे हुए थे। तालियां बजाइए सब, तालियां जोरों से बजनी चाहिए। देखिए, रूप चतुर्दशी की जब बात आई तो रूप के लिए कई प्रकार से जतन किए जाते हैं, कई प्रकार से प्रोडक्ट्स हैं जो उनका यूज किया जाता है। और सदियों में जब से हम सौंदर्य की बात करते हैं, जब से पुरुष और नारी की बात करते हैं और विशेष रूप से नारी सौंदर्य की बात करते हैं, तो नाना प्रकार के तरह तरह के जिस प्रकार की चीजें उपलब्ध हुआ करती थी उनका प्रयोग किया जाता था। आपको ये बताना है कि शास्त्रानुसार इस दिन कहते हैं कि तेल और उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए रूप चतुर्दशी को। उसका मुख्य कारण क्या है या मूल मान्यता क्या है कि ऐसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? बोलिए मैम, आप जी, आप बोले। अच्छा, आपने सोचा कि मैं पहले आपको पुरस्कार दे रहा हूं तो अपने नहीं, अब तो आपके हाथ बढ़ गए, इसलिए पुरस्कार तो देना ही पड़ेगा, चाहे उत्तर सही और चाहे गलत। आपका शुभ नाम बताएं पहले। मेरा नाम है डॉक्टर मुक्ता सिंह जी। डॉक्टर मुक्ता सिंह जी, मैं इससे तो मुक्त होता हूँ साहब, ये तो मैं मुक्त हुआ। अब आप उत्तर दीजिए साहब जी। तो तेल में लक्ष्मी जी का वास होता है और उपटन में गंगा का वास होता है, ऐसी मान्यता है। बिल्कुल सही, तालियां जोरों से बजाइए सर, जोरदार तरीके से तालियां बजनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तेल में लक्ष्मी का और उपटन में गंगा का वास होता है। आइए फिर झूमिए एक छोटे से गीत पर, तालियां बजाइए इस गीत के लिए। आप अगला सवाल बड़ा ही सरल। रूप चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्दशी भी मनाई जाती है, क्या विशेष बात, क्या कारण, बताइए और जीतिए पुरस्कार। आपको पूछा मैम मैंने जी, बोले आप। क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। भगवान श्री कृष्ण ने किसकी सहायता से, विशेष रूप से? पुरस्कार तो पक्का, ये तो नहीं बता। सत्यभामा, उनकी पटरानी, उनकी रानी, उनकी विशिष्ट सहायता से। और नरकासुर ने राजाओं को, प्रजाजनों को और 16,000 कन्याओं को, 16,100 उनको कैद कर रखा था, उसका वध कर उनको मुक्त कराया और प्रभु ने उन्हें सामाजिक मान्यता प्रदान की। आपका शुभ नाम? हीना मिश्रा। हीना मिश्रा जी, क्या बात है, हीना जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। नरकासुर का वध किया था
भगवान श्री कृष्ण ने पटरानी सत्यभामा की सहायता से। तालियां तो जोरों से बजनी चाहिए। देखिए मैं ये सोच रहा हूं कि जब गायन की बात चली तो एक बार समवेत स्वर में आप सभी लोग कोई एक गीत गाएं। और चांद को क्या मालूम, मैं ये सोचता हूं कि ये ऐसा गीत है जिसको कि आप गा सकते हैं। तो क्या शुरू करें? तो शुरू कीजिए। बड़ा सरल सा सवाल, चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं, छोटी दिवाली मनाई जाती है, छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में दो तीन मान्यताएं बताएं और जीते पुरस्कार। छोटी दिवाली जी जी उठ गया। अच्छा, दीपावली की तैयारी में एक दिन पहले से शुरुआत हो जाती है। अब मैं इसको यूं ले लेता हूं कि आपने जो ये कहा हुआ यूं कि भगवान पधार रहे हैं, ये सूचना लेकर के हनुमान जी पहुंचे और हनुमान जी ने जब कहा तो उसी समय दीप जला दिए गए, क्योंकि जब खुशी की बात हो तो उसका प्रकटीकरण रोका नहीं जा सकता, उसके आवेग को रोका नहीं जा सकता। यद्यपि उसका संपूर्ण प्रकटीकरण तो अगले दिन जब राम जी पधारे तब हुआ, तो फिर भी आपने तो मोटे रूप से आपका सुनना। राजेश सिंह जी, क्या नाम? राजेश सिंह। और राजेश जी आपको तो हो गया, आपका शुभ नाम क्या है साहब? मेरा नाम है जी राकेश त्यागी। राकेश जी आपने इनको धक्का दिया तो मैं आपको भी छोड़ने वाला नहीं है। ये तो ठीक है कि मैंने इनको संभाल लिया, लेकिन आपने कोई नहीं रखी, कोई मुखड़ा कोई टुकड़ा, तो बस वाह क्या बात है। तालियां बजाइए राकेश जी के लिए। जी पंजाब का एक लोकगीत है। हाँ पंजाब का लोकगीत जी। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए पक गया मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबिया लंबिया। घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदगी, तो घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदगी, तू घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां जोरों से बजाइए राकेश जी के लिए, तालियां जोरों से। डॉक्टर पवन शर्मा, संगीत जीवन। डॉक्टर साहब आपने भी एक संस्था संगीत को समर्पित कर रखी है, क्यों बनाई, क्या विशेष बात हुई, ये बताएं आप। आपने ठीक कहा, कुछ लोगों को डिनोवो एट डिफरेंट प्लेसेस ऐसा शौक चल रहा है जी, और उनको हमने संयोगवश सभी को जोड़ दिया। ऐसा हुआ कि 10 ही मिनट में ये ग्रुप करीब करीब पूरा बन गया जी 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 जी, जी। और इसके सभी मेंबर्स करीब करीब फाउंडर मेंबर्स हैं जी, और उत्तरोत्तर प्रगति की करते हुए हमारे गायन में निखार आया है जी, और बाथरूम सिंगर से स्टेज सिंगर बने हैं जी, और ऐसा समागम करते करते आज इस स्थिति में पहुंचे कि हमसे हमारे तीन ग्रुपों के साथ और समागम हुआ है जी, और उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा जारी रहेगा। डॉक्टर साहब आप स्ट्रीट सिंगर से यानी बाथरूम सिंगर से बन गए स्ट्रीट सिंगर, आइए मैं आपको टीवी सिंगर बनाता हूँ।
बस तालियां जोरों से बजाइए डॉक्टर साहब के लिए, जोरदार तालियां। हाँ। जी और आज विशिष्ट परिधानों में और भी खूबसूरत लग रही है, उनके लिए गीत समर्पित है। ये नैना ये काजल ये जुल्फें ये आंचल, खूबसूरत सी हो तुम गजल, कभी दिल हो कभी धड़कन कभी शोला कभी शबनम, तुम ही हो तुम मेरी हमदम जिंदगी, तुम मेरी मेरी तुम जिंदगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए विशेष रूप से इतने धीर और गंभीर तरीके से इतने जीवन के गंभीरतम विषय पर चर्चा करने की आपने जो हिम्मत की, तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए। देखिए प्रभु राम जब पधारे अयोध्यावासी पलक पांवड़े बिछा दिए, दीप मालिका, हम हर व्यक्ति जब दीपावली की बात होती है या हिंदुस्तान की जब बात करते हैं तो त्योहारों की जब बात होती है तो दीपावली का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, मुकाबला नहीं हो सकता। हर व्यक्ति मन मयूर नाच उठता है, वो किसी भी जाति का हो किसी धर्म का हो, यानी जिसे हम राष्ट्रीय त्योहार की संज्ञा दें वो है दीपावली, क्योंकि प्रभु राम के जो आदर्श हैं वो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आपको ये बताना है कि प्रभु जब पधारे अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को, तो आपको ये बताना है कि उन्हें और मां सीता को किस रूप में देखकर समझकर लोगों ने खुशियां मनाई और घी के दिए जलाए, प्रभु राम को और माता सीता को किस रूप में देखते हुए, ये बताइए और जीतिए पुरस्कार। बड़ा ही सरल सवाल, बड़ा ही सरल, इससे सरल हो नहीं सकता। आपको पूछा मैंने मैम जी जी महालक्ष्मी के रूप में जी, सीता मैया को देखा जी, विष्णु जी के रूप, विष्णु और लक्ष्मी के रूप में, वाह क्या बात है, क्या बात। शुभना जसमीत नागर जी, जसमीत नागर, जसमीत नागर, तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए। मैं ये समझ रहा था कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, हम ये स्वयं ये सोचेंगे कि प्रभु स्वयं थे, साक्षात थे, साक्षात प्रभु प्रकटे पधारे और माँ सीता थी, तो फिर और कौन सा रूप हो सकता है, माता सीता यानी लक्ष्मी, प्रभु राम यानी विष्णु, उनके रूप में उन्होंने देखा और खुशी मनाई। तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए। आप देखिए कई बार क्या होता है कि हम लालच करते हैं और लालच इस बात के लिए भी हो जाता है कि जब दाता होते हैं वो सहिष्णु होते हैं। मैंने आपसे अनुरोध किया कि समवेत स्वर में कृपया गायन कीजिए, तो आपने कहा बिल्कुल, और आपने कमाल कर दिया, ऐसा लगता था इट वॉज अ वेल रिहर्स्ड जो सिंगिंग हो, मास सिंगिंग की जब बात हो तो मैं उस लोप को संवरण नहीं कर पा रहा हूं। और एक बार फिर आपसे अनुरोध, कृपया मेरी लाज रखें, हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं, सुनिए इन राजस्थानी लोकगीतों को दो, और फिर इस पर आपसे एक अतिरिक्त अनुरोध। कहते हैं कि लालच जब थोड़ा करता है, थोड़ा दे देते हैं तो थोड़ा और विस्तारित हो जाता है जो मांग है, तो मेरी मांग कि आप गायन तो करें इस बार नर्तन भी करें। तालियां जोरों से बजाएं दोनों गीतों के स्वागत में आप।
तालियां जोरों से बजाई सब अपने सभी जिन्होंने नर्तन किया जोरदार। देखिए दीपावली की जब हम बात करते हैं तो हमने मां लक्ष्मी की बात की, लेकिन लक्ष्मी जी के अतिरिक्त दो देवी देवताओं की पूजा भी आवश्यक रूप से की जाती है, बताना है आपको उनका नाम और जीतना है पुरस्कार। आपको पूछा मैंने जी, खड़ी हुई है आप जी जी। इस बार दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी और सरस्वती जी की, गणेश जी और सरस्वती जी का। आपका शुभ नाम? अमृता शर्मा। अमृता शर्मा जी, तालियां जोरों से बजाइए अमृता जी के लिए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अब मैं इधर सवाल पूछूंगा, तीन सवाल एक साथ पूछूंगा बीच में, और फिर उधर की बारी है। देखिए देवता और दानवों में जब संघर्ष हुआ, मंथन हुआ समुद्र का, तो 14 रत्न निकले और उस रत्न में लक्ष्मी जी भी अवतरित हुई। मेरा सवाल यह है, आपको ये बताना है कि लक्ष्मी जी जिन्हें पत्नी के रूप में स्वीकारा विष्णु ने, उनकी जो मूर्तियां होती है वो तीन प्रकार की होती है, मूर्तियां किस प्रकार की होती है वो आपको बताएं। चलिए मैं तीन नाम बोल देता हूं और आप उनका अर्थ बता दीजिएगा, बड़ा सरल है। पहली है पद्म स्थिता, दूसरी पद्म वासा और तीसरी है पद्म ग्रहा। आप ये बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी इधर से किससे नहीं पूछा मैंने, एक मिनट थोड़ा सा आप हटें साहब, थोड़ा सा, हाँ अभी पूछता हूँ साहब औरों से मैंने। जी बोलिए आप। एक तो जिसमें हाथ फूल उन्होंने हाथ में लिया हुआ है, किसमें? ये तो सवाल आपके साथी कर रहे हैं, ये तो लालायित हैं, ये तो कामना कर रहे हैं। हे लक्ष्मी कृपया कुपित ही रहना। पद्मस्थित जो है, जो आप बोल रहे हैं पद्मस्थित जी, देखिए पद्म क्या, नॉट सो गुड इन हिंदी प्लीज, पद्म क्या जी, पद्म स्थित जो है उसमें जो वो हाथ में कमल के फूल में बैठी हुई है जी, वो पद्म स्थिता, हाँ जी ये बैठी हुई है, हाँ जी। अच्छा और दूसरा एक जिसमें वो घिरी हुई है फूल के, मतलब पद्मवासा, पद्मवासा ये, हाँ आप नोट करते रहिए साहब, घिरी हुई है पद्मवासा, गलत हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। आई मैंने पहले ही कहा था मैं आई एम नॉट गुड इन हिंदी, जो आप तीन बोल रहे हैं उसमें मैं। चलिए अब मैं, मौका मिलेगा फिर आप कुछ बोल, आपको पुरस्कार मिला है कहाँ? ये बच्चे भाई दूज के लिए गाना भी गाना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए आप बताइए। चलिए मुझे मालूम है, एक है जो फूल हाथ में लेके खड़ी रहती हैं, एक कमल में बैठी रहती हैं, और एक है एक रूप है जिसमें कमल उनके चारों तरफ घिरी हुई है। शुभ नाम आपका? आनंदिता तापड़िया। आनंदिता जी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। देखिए मैम मैं ये समझता हूँ कि मैं लक्ष्मी जी के प्रति असहिष्णुता करूंगा यदि मैं, मैम आपका शुभ नाम? डॉक्टर अमनदीप। डॉक्टर अमनदीप जी मैं अगर आपको पुरस्कृत नहीं करूं, मैं क्यों पुरस्कार दे रहा हूं ये भी बताऊंगा अभी आपको वहां पहुंचकर। देखिए होता ये है कि हम तैयारी कर करके जाते हैं और परीक्षा में हम उत्तर देते हैं, तो जो पूछा जाता है मैंने उसको सरलीकृत करने के लिए मैंने ये कह दिया था पद्म स्थिता, पद्मवासा और पद्म ग्रहा, तो आपको तीनों का बताना है। तो मैडम ने, मैम आप सुने, आपने बड़ी चतुराई से तीनों बता दिया आगे पीछे, लेकिन आपने क्या करा, आपने ये बताया स्थिता का ये, पद्मवासा का ये, और उसमें आगे पीछे हो गया, उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। तो तालियां बजाइए समवेत स्वर में उनको, इसका मतलब जानकारी आपको भी उतनी ही है। देखिए लक्ष्मी के तीन रूप माने गए हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। आपको यह बताना है कि इन तीन रूपों में लक्ष्मी किन पर आरूढ़ होती है। आप इधर एक एक बच्चे से, एक बच्चे से, बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है, बच्चा जी बोलो।
गरुड़ कमल और उल्लू। किस पे? गरुड़ कमल और उल्लू। शुभ नाम आपका? जयान शर्मा। जयान शर्मा के लिए तालियां जोरों से बजाइए, बिल्कुल तालियां जोरों से। उसने तीनों उत्तर दे दिए। उसने कहा गरुड़ की सवारी यानी कौन सा रूप? सात्विक रूप। राजसी रूप यानी कमल, और तामसी रूप उल्लू। वाह, धन्य है बच्चा, तालियां जोरों से बजाइए उस बच्चे के लिए। आप देखिए, आपने ये देखा होगा आमतौर पर जब सुबह हम उठते हैं तो दोनों हथेलियों को मिला करके और नमस्कार करते हैं। बताइए हम ऐसा क्यों क्यों करते हैं? बताइए। जी बोलिए आप। जब हम सुबह सुबह दोनों हाथों को देखते हैं तो हाथों के आगे वाली जो मतलब उंगलियां होती हैं वहाँ पे लक्ष्मी जी का वास होता है, इस वजह से हम देखते हैं। शुभ नाम? मोहनी शर्मा। मोहनी शर्मा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से। देखिए उनकी जिद है, उनकी जिद है, पूरा बताऊंगी। बताइए बताइए, प्रश्न तो मैंने पूछा नहीं है, जिद को पूरा कीजिए। अब बोलिए आप। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभात कर दर्शनम। यानी हमारे हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी और मध्य भाग में सरस्वती और भूल गई वास होता है। हमें अपने प्रातः काल उठ के हाथों के दर्शन करने चाहिए ताकि हमारे कर्म हमेशा अच्छे रहे। शुभ नाम? ज्योति विज। ज्योति जी, मैंने पहले भी आपको पुरस्कृत किया है और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध, हे लक्ष्मी, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि दीपवालिका की बात हो और आप रूठ जाएं। तालियां बजाइए ज्योति जी के लिए जोरदार तरीके से। आप जोरदार तालियां बजती रहनी, जोरदार बजाइए, तालियां तो जोरों से बजनी चाहिए। आप में से कोई और है जो कोई गायन करना चाहेगा? ये बच्चे कर गायन करना चाहेंगे? हाँ, तीनों मिलकर के। हाँ, तीनों थोड़ा इधर रखो। हाँ, अब गाओ, जोर से गाओ। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। सबका कहना है। तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से। आपका नाम बोले जोर से। खुशी शर्मा। आपका? टिया शर्मा। नव्या तापड़िया। वाह, क्या बात है, क्या बात है, तालियां तो बजती रहनी चाहिए साथ तीनों बच्चों के लिए, जोरदार। देखिए, दीपावली का जो पावन पर्व है वो सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक एकता का पर्व है और ये प्राचीन समय से मनाया जाता है और प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसा उल्लेख मिलता है कि पहले पुराने समय में, बहुत पुराने समय में, कौमुदी उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता था, यानी यक्ष रात्रि के रूप में मनाया जाता था। तो उस समय कौमुदी उत्सव और यक्ष रात्रि के रूप में जब यह पर्व मनाया जाता था तो उसका देवता कौन था जिसकी पूजा की जाती थी? एक पर्यायवाची रूप में भी उसको यूज करते हैं, जो बहुत धनी व्यक्ति होता है तो हम उसके लिए भी कहते हैं। बोलिए आप। कुबेर। कुबेर, वाह वाह, तालियां जोरों से बजाइए। शुभ नाम? शुभ नाम? अमन खंडेलवाल। अमन खंडेलवाल साहब, तालियां जोरों से बजाइए अमन जी के लिए। मैम आप भी शायद बताने वाली थी, मैं उधर आ रहा था। तालियां जोरों से बजनी चाहिए, जोर से बजाइए साहब। देखिए, रंगोली, आपको ये बताना है, रंगोली या मानना या अलग अलग नाना प्रकार के नाम अलग अलग
भाषाओं में राज्यों में हैं, पर अर्थ आप समझते हैं इसका मूल रूप से मंतव्य क्या है, या रंगोली या ये मांडना क्या होते हैं, दोनों बता दें, मंतव्य क्या, क्यों, और आपको पूछा मैंने नहीं पूछा जी, अलंकृत करना। वाह, शुभ नाम सीमा शाह। सीमा जी तालियां जोरों से बजाइए सीमा जी के लिए। अलंकृत करना, मानना, ठीक है, और मंगल कामना के साथ, शुभ कामना के साथ में इसको किया जाता है। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं एक कालजयी फिल्मी गीत से, तालियां जोरों से बजाइए इस गीत के स्वागत में। नील गगन पर चमका तारा, मैंने समझा तेरा इशारा, बन गई धड़कन प्रेम संदेशा, शायद मुझको तूने पुकारा, तेरे दर पर लाई थी, तेरे दर पर लाई थी, रंगोली सजाओ दो छोटे छोटे सवाल और दो पुरस्कार आपको ये बताना है। गोवर्धन पूजा क्यों, किसकी स्मृति में, एक सवाल, और दूसरा सवाल आपको मैंने नहीं पूछा मैम जी, बोलिए आप। गोवर्धन पूजा इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को। आपका शुभ नाम ऋतु खत्री। ऋतु जी क्या बात है, तालियां जोरों से बजाई ऋतु जी के लिए। और भैया दूज, इसके पीछे क्या प्रचलित आख्यान है, भैया दूज जी बोलिए आप जी। यम की बहन लक्ष्मी मनाया जाता है। यम की बहन का नाम यमुना या यमी। आपका शुभ नाम शशि प्रभा खन्ना। तालियां शशि जी के लिए जोरदार बजाइए। यम की बहन यमी आमंत्रित कर रही थी भाई को, कई दिनों से नहीं आ रहा था, अंत तो गत्वा उनसे अनुरोध किया और द्वितीया को इस दिन वो पधारे, और उन्होंने बहन ने व्रत रखा था, नाना प्रकार के पकवान बनाए थे, भाई को उन्होंने जिमाया और भाई ने वरदान दिया कि तू हमेशा शुभ रहेगी, तेरे लिए शुभ होगा, और बहन ने यह कहा कि जो भाई आएगा बहन के घर पर वो दीर्घायु होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रक्षाबंधन की जब बात करते हैं वो बहन की रक्षा के लिए, और भैया दूज की जब हम बात करते हैं वो भाई की रक्षा के लिए, भाई की दीर्घायु के लिए बहन कामना करती है। तो बहन के घर पर भाई जाता है और वहां पर नाना प्रकार के व्यंजनों से उनका स्वागत किया जाता है। तालियां जोरों से बजाइए आप सभी के लिए, और देखिए तालियां जोरदार। आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे, इतना समय आपने दिया। आमतौर पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में जब विद्यार्थी आते हैं, किसी एक इंस्टीट्यूशन से आते हैं और विद्यार्थी चले जाते हैं, लेकिन आप लोग शहर के कोने कोने से यहाँ पर पधारे हैं, और विशेष अवसर था दीपावली के बारे में, हमारे जो पौराणिक मान्यता है उनके बारे में, हमारी रीति रिवाज परंपराएं और हमारी संस्कृति क्या है उसके बारे में, और सबसे बढ़िया बात यह मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि श्लाघनीय है आपकी जानकारी, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में आम तौर पर पूछने पर मोटे रूप से लोग बात करते हैं लेकिन प्रामाणिकता का अभाव रहता है। तो एक बार तालियां जोरों से अपने लिए बजाइए आप सभी लोग। और अब जब हम कार्यक्रम का समापन करने जा रहे हैं,
तो इससे बेहतर बात हो नहीं सकती कि हम प्रभु की आराधना करें, उनके सामने समर्पण हो, और नर्तन से बेहतर कोई समर्पण हो नहीं सकता। ये हमारी सबकी जो कलेक्टिव जो भावना है उसका प्रकटीकरण है। आप इतने समय से इंतजार कर रही हैं, आपने कितना रिहर्सल किया होगा, तो आइए आपको प्रोत्साहित करने के लिए और प्रभु के प्रति, उनके आदर्शों के प्रति अपने समर्पण को दर्शाते हुए जोरदार तरीके से तालियां बजाइए इस गरबा नृत्य के लिए। जोरदार जोरदार तालियां।